और मैं वहाँ बतौर लेक्चर काम कर रहा था, और वो दिन आज का दिन है, हमारे दिन मोहब्बत का सलूक बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे ऑन करते हैं। हम उम्र में कम है जिससे लहर हम लोग बड़े हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन इस उम्र में हमारी दोस्ती भी है, मोहब्बत भी है, खलूस भी है। जहाँ तक अभी वो जिक्र कर रहे थे कि जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब इस यूनिवर्सिटी के लिए एक ब्लेसिंग है, मैं समझता हूँ इस यूनिवर्सिटी के लिए, इस रीजन के लिए एक ब्लेसिंग है। जिस तरह उन्होंने आने के बाद यूनिवर्सिटी को भी प्रमोट किया है और यूनिवर्सिटी के साथ साथ इलाके को भी प्रमोट किया है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, तलबा की तादाद में इजाफा भी हो रहा है, रिसर्च और बाकी भी मामला में भी दिन ब दिन यूनिवर्सिटी तरक्की कर रही है, यकीन इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। अब रफी साहब एक ऐसी हमजैद शख्सियत हैं जो एक वक्त में मुअल्लिम भी हैं, आफिसर भी रहे हैं, आपको बतौर चेयरमैन, बतौर डायरेक्टर, बतौर प्रिंसिपल, दो बड़े कॉलेज एसी कॉलेज और एमसन कॉलेज में खिदमत का मौका मिला है। आप एक अदीब भी हैं और ये जान के शायद आपको हैरत होगी कि आप एक शायर भी हैं और कभी कभी शायरी भी करते हैं। कोरोना बड़ी खूबसूरत उन्होंने नजरों में कल सुनाई थी, और हमारे मेंबर सिंडिकेट और सेक्शन बोर्ड भी हैं। सबसे बढ़ के जो आपका तारुफ है वो नजरिया पाकिस्तान फाउंडेशन के मुल्तान पिक्चर के प्रेसिडेंट हैं। आप सच्चे पैट्रियाट हैं, मुहब्बे वतन हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत उनका सबसे बड़ा वस है। और जिन शख्सियात के मुतालिक कौमी जद्दोजहद की नुमाया 100 शख्सियात के मुतालिक उन्होंने किताब लिखी है, जैसे कि लोगों ने कहा है, मेरी भी ख्वाहिश होगी और भी बहुत सी शख्सियात हैं उनके मुतालिक वो लिखें। इनसे बहुत सी शख्सियात ऐसी हैं जिन पर सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं, लाइक काजी अल्लामा इकबाल, और बड़ी शख्सियात हैं मौलाना मोहम्मद जौहर, मोहम्मद बिन कासिम, लियाकत खान, इन लोगों से सब आशना हो। लेकिन आपकी इस किताब की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, इसमें ऐसी शख्सियात को भी उजागर किया गया है जो इतनी नामवर नहीं है, और बहुत से लोगों को इस किताब को पढ़ने के बाद उनके मुतालिक मालूम मिली। फॉर एग्जाम्पल, इर्तज़ा कादरी साहब का मैं जिक्र करूँगा जो इतफाक़ से प्रोफेसर डॉक्टर मिर्ज़ा सिद्दीकी साहब के फादर इन लॉ सुसर थे, तो मैंने इस किताब में भी पढ़ाया, उसका जिक्र भी किया, तो उन्होंने कहा वो अलीग थे, अलीगढ़ में पढ़े। तो कादरी आज़म या रहमत अलीगढ़ कॉलेज में यूनिवर्सिटी में तशरीफ लाए, और जब वो तशरीफ लाए तो उस बग्घी को जो स्टेशन से अलीगढ़ आ रही थी घोड़े उसको लेके आ रहे, तो कादरी आज़म से मोहब्बत और अकीदत का सिकारा ये था कि तुलबा ने कहा कि अब घोड़े हटा दिए गए और स्टेशन से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तक हम इसको लेके जाएंगे, ड्राइव करके लेंगे। तो घोड़े हटा दिए गए और तुलबा ने उस बग्घी को खींचा, वो कादरी आज़म को ले गए। उन बच्चों में इनके ससुर इर्तज़ा कादरी साहब भी शामिल, इस लिहाज से ऐसी बहुत ही प्यार का तहरीक पाकिस्तान से ताल्लुक बन गया। तो तहरीक पाकिस्तान हो या तारीख पाकिस्तान हो, उस पर खासतौर पर सिद्दीकी साहब इस वक्त तकरीबन 28 कुतुब लिख चुके हैं, जिनमें कुछ दर्सी किताबें हैं, निसामी और बाकी तहकीक की किताबें। तो आप एक वक्त में इतनी सारी चीज़ें अलहमदिल्ला कर रहे हैं, इस वक्त भी, इस उम्र में भी आपका जो शर्म और शौक है, कल मुझे रात फरमा रहे थे कि गिलानी साहब मुझे ना किसी ऐसी जगह पर लेके चले जहाँ बहुत सारी कुतुब खाने, यानी लाइब्रेरी से हट के किताबों की दुकानें और ख़ास तौर पर पुरानी किताबों की दुकानें। तो मैंने कहा सर वो तो बिल्कुल अजीब यूनिवर्सिटी चौक पे हैं, तो कहने लगे यार बाद में ऐसी किताबें आयात मिल जाती हैं जिनको लोग डिस्कार्ड करके लेते भी नहीं और रद्दी में भेज देते हैं, तो मैं उनको कलेक्ट करता हूँ, मेरा शौक है। तो किताब से मोहब्बत आज के दौर में बहुत बड़ी बात है, और वो सिद्दीकी साहब का वक्त है, इन्होंने अपनी पर्सनल लाइब्रेरी भी बना रखी है। इस तरह इन जिन शख्सियात को मुतालिक इन्होंने लिखा है, इनमें नामवर शख्सियात के अलावा वो शख्सियात भी हैं जिनको हम नहीं जानते, लेकिन जब ये किताब आप पढ़ेंगे और उनके मुतालिक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पाकिस्तान से मोहब्बत का ताल्लुक है, तहरीक पाकिस्तान से ताल्लुक है, तारीख पाकिस्तान से ताल्लुक है। आज चूँकि जुमा गुफ्तगू तो बहुत हो सकती है, मगर चूँकि अभी और मुकर्रीन ने भी गुफ्तगू करी है, खुद विज साहब हैं और खुद सदीकी साहब ने भी गुफ्तगू करी है, तो मैं इस मुख्तसर से इजाज़त करूँगा, अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र अता करे और इसी तरह ही हमारा पार्ट एंड पार्सल रहे और इसी तरह लिखते रहें इंशाल्लाह। और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा किताब भावलपुर से मुतल्लिक भी कुछ शख्सियात हैं जिनको प्रमिनेंट करने की ज़रूरत है, जिनकी बड़े खिदमात हैं, लेकिन उन पर अभी तक लिखा नहीं गया। तो आज हमें उनसे रिक्वेस्ट की, हम भी कुछ अपने एमफिल और पीएचडी के थीसिस उनसे करवाएंगे और यकीन सिद्दीकी साहब भी उनसे मुतल्लिक लिखेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं मजीद बिला तखीर।
Officer and non-baked tea. Incoming voice call from Sir Adnan Baked 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 Tea. और उसमें ये हमारे लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। तो मैं इस किताब को आज देना चाहूँगी और अपने बच्चों को देना चाहूँगी और आप सबको रिकमेंड करूँगी। इसके साथ मैं बात करती बात और पाकिस्तान रहती थी उस पर हमारे वाइस चांसलर साहब का विजन है और उस पर हम काम कर रहे हैं और उसका पर्पज भी यही है कि पाकिस्तान आजादी बनाई जाए। उसमें स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी कौम को जो कुर्बानियाँ दी हमारे अकाबरी ने और जिसके नतीजे में आज हमने एक आज़ादी हासिल की और हर लिहाज से हम आज़ाद हैं। मुझे भी इत्तेफाक हुआ इंडिया को विजिट करने का और वहाँ मैंने देखा कि वहाँ मुसलमानों को मजहबी आज़ादी दो दिन की बात वो सोशली इकोनॉमिकली और किसी लिहाज से जो वो फ्रीडम हासिल नहीं है जो कि आज हमें हासिल है और हम बहुत मशहूर हैं हमारे जो तहरीक आज़ादी के जो रहनुमा थे। और आपने बहुत अच्छी कोशिश की है कि आपने ये किताब लिखी और हम सबको पढ़नी है और इसी तरह हम पाकिस्तान गैलरी और पाकिस्तान म्यूजियम के थ्रू इसको